अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक सी परफेक्ट कस्टर्ड की रेसिपी, और मुझे उम्मीद है आप ये ट्राई करेंगे और हैरान रह जाएंगे। आपको बिल्कुल शादियों के जैसा कस्टर्ड जो है वो तैयार करना आज मैं बताऊंगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो दूध। 1 किलो दूध के अंदर मैंने ऐड कर दी है 1 कप चीनी। देन उसके बाद मैं इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी, और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम हल्की कर दूंगी। देन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कस्टर्ड, जो कि मैंने थोड़े से ठंडे दूध के अंदर 4 से 5 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड करके कस्टर्ड पाउडर वो मैंने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैं अब इस दूध के अंदर ऐड कर दूंगी, और मैं इसके अंदर कंटिन्यूस चमचा इसके अंदर हिलाती जाऊंगी। देन इसके बाद मैंने इसके इतना पकाना है यहाँ तक कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। जिस पॉइंट पे इसमें बॉयल आ जाएगा उस पॉइंट तक आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है, और जैसे ही बॉयल आ जाए आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। जब आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें तो आपने चम्मच हिलाना रोकना नहीं है, नीम ठंडा होने तक आपने इसके अंदर चम्मच कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है इसका। इससे ये होगा कि जो हमारा कस्टर्ड अक्सर हम देखें कि वो पतला पानी हो जाता है, वो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके नीम ठंड होने तक मैं इसके अंदर कंटिन्यूसली चम्मच हिला रही हूँ। देन हमने क्या करना है कि फिर हमने इसे ठंडा होने के लिए नहीं रखना, हमने नीम गरम के अंदर ही हमने 1 कप क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसको क्रीम को इस कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स करना है। देन फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी, फ्रीज़र में रख दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी, जैसे आपको मुनासिब लगे। लेकिन आपने इसको कंप्लीट ठंडा करना है। कंप्लीट ठंडा करने के बाद ये देखें कंप्लीट ठंडा हो गया। इसको अब मैं बीट करूंगी, तो मैं इसको बीट करूंगी हैंड बीटर से। आप जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप करें। मैं इस तरह से बीट कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक फ्लफीनेस आ जाएगी और ये एक ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, ठीक है। इससे भी ये होगा कि आपका जो कस्टर्ड है वो थिक ही रहेगा, वो पतला नहीं होगा, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ चुका है। ये अब इसी तरीके से रहेगा। तो इसके अंदर आपने इसके बाद आपने फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, जो भी